मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गुलामी के दिनों में इस नारे से देश को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 121वीं जयंती है। देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस का अंतिम समय कैसा रहा, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। नेताजी की 121वीं जयंती के मौके पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को आजाद कराने के लिए अनेक देशभक्तों में एक नाम महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का भी है। वे एक ऐसे अनूठे योद्धा थे जिनकी रणनीतियों ने अंग्रेजी सरकार के छक्के छुड़ा दिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 के दिन उड़ीसा के कटक में हुआ। पढ़ाई के दौरान से ही नेताजी के मन में आजादी के भाव उठने लगे थे। भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए नेताजी की नीतियां गांधी जी के विचारों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बुलाने वाले वे सबसे पहले शख्स थे। यह बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने महात्मा गांधी से कुछ मुलाकात के बाद ही उन्हें यह उपाधि दी। बोस ने रंगून के रेडियो चैनल से महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों का हाथ थामकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने कलकत्ता में उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन वो वहां से भाग निकले। भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सागर की स्थापना की और आजाद हिंद फौज का गठन किया। साथ ही देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई। 22 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ताइवान में 18 अगस्त 1945 को जापान जाते समय एक प्लेन क्रैश में मारे जाने की घोषणा की, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े एक दस्तावेज के मुताबिक 1948 में चीन के मंचूरिया में उनके जीवित होने की खबरें थीं। इतना ही नहीं, उनके विश्वस्त सहयोगियों में से एक देवनाथ दास ने उस समय दावा भी किया था, लेकिन नेताजी की मौत आजादी के इतने साल बाद भी एक रहस्य बनकर रह गई। समय समय पर सरकारें अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनसे जुड़ी फाइलों और दस्तावेजों को जनता के सामने रखती हैं, लेकिन आज तक उनकी मौत एक पहेली ही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।